हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीटी पे एक वीडियो लेकर आऊँगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे, जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। और आपको पता है दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दोस्तों तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। एक सेकंड दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि इसमें दोस्तों, इस वाली वीडियो में 100 क्वेश्चंस दोस्तों होंगे आपके लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, धीरे धीरे करके टाइप हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डेली दोस्तों वीडियो आएगी। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी फॉर द सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, टू अनेबल देम टू नो हाउ टू स्टॉक प्रॉपरली द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्क्रीट। बिल्कुल सही है, किस तरीके से आपको मटेरियल को स्टोर करना है, ठीक है, प्रॉपरली किस तरीके से करना है। तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों प्रोस्पेक्टिव में इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हमारा जो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से आएगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, एनेबल देम टू परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट कंसर्निंग कॉन्क्रीट। ठीक है, एंड मेक देम कन्वर्जेंट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए बस। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। सही आंसर क्या है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की किस किस पर डिपेंड करती है, जल्दी से बताइए। क्या साइज ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करती है, करती है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एग्रीगेट पर डिपेंड करती है, करती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये दोस्तों मैं एक तरह का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके एग्जाम दोस्तों नज़दीक हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जो दोस्तों डिपेंड करती है वो किस पे करती है, ऑल ऑफ दीज पे करती है। साइज ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करती है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करती है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं गुप्ता एंड गुप्ता में से लिए गए हैं, कहीं कुर्मी से लिए गए हैं, कहीं ढेर सारी बुक से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। कुछ दोस्तों क्वेश्चन मेरे बनाए हुए भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन थर्ड पढ़ रहा है, द ब्रेकिंग अप ऑफ कोहेजन इन द मास कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट के पार्टिकल के बीच में अगर कोहेजन ब्रेक हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है। का वर्केबिलिटी की वजह से होता है, नहीं होता। वर्केबिलिटी की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, नहीं होता, नहीं होता। सही आंसर है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो कोहेजन होता है वो डिक्रीज होता है कॉन्क्रीट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेग्रीगेशन में ये, अगर मैं सेग्रीगेशन की बात करूँ दोस्तों, सेग्रीगेशन तो सेग्रीगेशन होता क्या है, सेग्रीगेशन में से दोस्तों क्या होता है, जो कोर सेग्रीगेट होते हैं ना दोस्तों, कोर सेग्रीगेट वो दोस्तों क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। किस में से दोस्तों, फाइन एग्रीगेट में से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट इज डिफाइन एज। तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट आपको पता है क्या है, तो ईज विद विच इट कैन बी मिक्स ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड इन पोजिशन इन अ होमोजीनियस स्टेट। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ कोहेजन इन द मास ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही आंसर हो गया दोस्तों, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट किस तरीके से कार्य कर रही है साइट पे, ठीक है ना। वो इजीली तरीके से मिक्स हो रही है, नहीं हो रही है। वो इजीली तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही है। वो इजीली तरीके से प्लेस्ड हो रही है, नहीं हो रही है, होमोजीनियसली। तो दोस्तों क्या होता है वो कॉन्क्रीट की क्या कहलाती है दोस्तों, वर्केबिलिटी कहलाती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी हम लोग किससे निकालते हैं, तो दोस्तों किससे निकालते हैं, स्लम्प टेस्ट होता है। ठीक है, एक तो स्लम्प टेस्ट होता है, एक दोस्तों होता है वीवी कंसिस्टोमीटर। ठीक है, एक ये होता है दोस्तों। ठीक है,
वीवी कंसिस्टोमीटर का दोस्तों हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपका स्लंप की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। स्लंप वैल्यू दोस्तों, स्लंप टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। स्लंप टेस्ट क्या होता है, एक तरह का दोस्तों फ्रस्टम कोन होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी दोस्तों हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी दोस्तों ये जो विड्थ होती है, नीचे डायमीटर जो होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, और ऊपर का डायमीटर दोस्तों 10 सेंटीमीटर का होता है। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और हमेशा दोस्तों इसको ऊपर से नीचे हम लोग स्केल से फाइंड आउट कर लेते हैं। और बेसिकली 50 से 100 के बीच में दोस्तों हमारी जो MM है, जो स्लंप की वैल्यू आनी चाहिए किसी भी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट मिक्सचर फ्रॉम द फ्रेशली मिक्सड कॉन्क्रीट, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको ब्लीडिंग कहते हैं। ये सही है या गलत है दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। जब आपका कंक्रीट के अंदर से क्या होता है कि पानी का सेपरेशन हो रहा हो, पानी का सेपरेशन हो रहा हो, तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, UP SSC JEE में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और SSC JEE में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में जितने भी आपके राजस्थान के, उत्तराखंड के, यहाँ के जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ तक कि दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द कंटिन्यूस स्ट्रेन, कंटिन्यूस स्ट्रेन एंड विद विच द कॉन्क्रीट अंडर गो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल लोड, तो उसको क्या बोलते हैं। वर्केबिलिटी तो नहीं बोलते दोस्तों उसको, ब्लीडिंग भी नहीं बोलते, सेग्रीगेशन भी नहीं बोलते उसको दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्रीप, ठीक है। क्रीप की वजह से दोस्तों क्या होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेन आता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ गुड कॉन्क्रीट शुड बी सब्जेक्टेड टू, क्या मैक्सिमम क्रीप होनी चाहिए? नहीं, सही आंसर है मिनिमम क्रीप होनी चाहिए, ठीक है। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है सेग्रीगेशन इन अ कॉन्क्रीट रिजल्ट। अच्छा, सेग्रीगेशन करता क्या है? तो दोस्तों हनी कम की स्थिति ला देता है, बिल्कुल सही है। कंक्रीट के अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है सेग्रीगेशन, सरफेस स्केलिंग कर देता है, सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, हार्शनेस इन कॉन्क्रीट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, हार्शनेस दोस्तों कॉन्क्रीट के अंदर क्यों हो जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हार्शनेस क्यों होती है कॉन्क्रीट के अंदर, मिडिल साइज पार्टिकल जब आप यूज़ करते हो ना, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, हार्शनेस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सरफेस जो होता है कंक्रीट का वो बेकार होने लगता है, वो हार्शनेस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। जब कब होता है ऐसा, जब मिडिल साइज पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अवॉइड सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए, कॉन्क्रीट शुड नॉट बी थ्रो फ्रॉम द हाइट। यस, बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सेग्रीगेशन की कंडीशन कब आती है, जब इसमें से जो कोर सेग्रीगेट होता है वो फाइन एग्रीगेट में से आउट हो जाता है, तो उस केसेस में आप जो हाइट ऑफ फॉल होती है साइड पे, वो आप कितने, अगर आप 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई से आप फेंक रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि सेग्रीगेशन के चांसेस जो हैं थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ लाइम कॉन्क्रीट लाइम इज़ यूज, हम लोग लाइम क्यों यूज़ करते हैं लाइम कॉन्क्रीट में? तो दोस्तों ध्यान रखना, एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। हम लोग लाइम क्यों यूज़ करते हैं, एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं लाइम, लाइम कंक्रीट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट पर लेकर आएंगे हम, ठीक है। अभी दोस्तों टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है ना, तो आप धैर्य रखिए और क्वेश्चन सीरीज अब आना स्टार्ट है, ठीक है। द टाइप ऑफ, अब दोस्तों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन अ लाइम कंक्रीट, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन लाइम कंक्रीट, कौन सा हम लोग लाइम यूज़ करते हैं लाइम कंक्रीट के अंदर? तो दोस्तों फैट लाइम तो यूज़ नहीं करते, पुअर लाइम भी नहीं करते, सिलिक लाइम भी नहीं करते, हाइड्रोलिक लाइम दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन है अ गुड कंक्रीट शुड हैव अ मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए गुड कंक्रीट के अंदर। ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। प्री स्ट्रेस कंक्रीट दोस्तों जो होती है ना, वो हमेशा क्रैक को अवॉइड करती है, उसके अंदर क्रैक्स नहीं डेवलप हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्था, इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, उसमें दोस्तों जो मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव हमारा पेपर है, द लाइम कॉन्क्रीट हैज़
स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द सीमेंट कॉन्क्रीट. तो क्या आप लाइम कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कि सीमेंट कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो दोस्तों लेस. ठीक है, ये गलत, ये गलत. यहाँ पर आएगा लेस, यहाँ पर आएगा लेस. द लाइम कॉन्क्रीट हैज़ अ लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ. चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों. द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रीडियंट इन प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. तो कौन कौन से यूजुअल प्रोपोर्शन होते हैं कॉन्क्रीट के अंदर? तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ग्रेड के हिसाब से वहाँ करते हैं, M50, M5, M10, M15, ठीक है, M20, M25, ठीक है, M30, ठीक है. तो यहाँ तक दोस्तों ऑर्डिनरी होते हैं, आपको तो बताइए ऑर्डिनरी. और इसके बाद दोस्तों M55 या 60 तक दोस्तों कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं. और 65 से लेके 80 तक या 100 तक दोस्तों वो कौन से ग्रेड होते हैं? वो दोस्तों होते हैं हाई ग्रेड होते हैं. वो कौन से होते हैं? हाई ग्रेड. ठीक है, तो ज़्यादातर स्मॉल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें दोस्तों यही वाले ग्रेड्स M20 तक यूज़ हो जाते हैं. ठीक है ना, M20 का दोस्तों कभी कभी वो पूछ लिया जाता है कि 1, 1.5, 3 दोस्तों M20 के लिए होता है, 1, 2, 4 दोस्तों M15 के लिए होता है, 1, 3, 6 दोस्तों M10 के लिए होता है. ठीक है ना, 1, 4, 8 दोस्तों किसके लिए होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसका आंसर क्या था? यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट इन अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट. तो दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट होता है 1 पार्ट, क्लीन सैंड होता है 1.5 से लेके 8 पार्ट, और कोर्स एग्रीगेट दोस्तों 3 से 16 पार्ट होता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही. ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत. सही आंसर है ए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट, द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट इन अ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में दोस्तों यूजुअल प्रोपोर्शंस क्या होता है बताइए? पोर्टलैंड सीमेंट पार्ट 1, क्लीन सैंड 2 से 4 पार्ट, एंड कोर्स एग्रीगेट 1 से 2 पार्ट. बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए. बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आंसर होगा दोस्तों इसका पोर्टलैंड सीमेंट. दोस्तों कितना यूज होता है? पोर्टलैंड सीमेंट 1 पार्ट होगा ना, और क्लीन सैंड दोस्तों 1 से लेकर 2 पार्ट होगा, और कोर्स एग्रीगेट दोस्तों 2 से 4 पार्ट होगा. तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी. ठीक है, ये गलत. भाई कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होता है ना, तो 1 पार्ट तो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, क्लीन सैंड 1 से 2 पार्ट, और कोर्स एग्रीगेट 2 से 4 पार्ट. ये भी गलत, ये भी गलत. सही आंसर है बी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों. क्वेश्चन दे रखा है फेरो कंक्रीट इज अनदर नेम. फेरो कंक्रीट का दोस्तों अनदर नेम क्या है? तो दोस्तों प्लेन सीमेंट कंक्रीट गलत आंसर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट गलत आंसर, ये भी गलत आंसर. सही आंसर है दोस्तों रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. जो फेरो कंक्रीट होती है दोस्तों, फेरो कंक्रीट, उसका दोस्तों जो जो फेरो कंक्रीट होती है उसका अनदर नेम जो होता है वो होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों. क्वेश्चन क्या कहता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज इक्वली स्ट्रांग इन टेकिंग. तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट दोस्तों किस में मजबूत होता है? टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस में मजबूत होता है, कि कंप्रेसिव एंड सीयर स्ट्रेसेस में मजबूत होता है, कि टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड सीयर तीनों में होता है, या फिर टेंसाइल और शीयर में होता है? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए. मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर है टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड सीयर, इसमें होता है. ठीक, ये गलत, ये गलत, ये गलत. सही आंसर है, सही आंसर तो क्या? सी ऑप्शन सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रांग इन. तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट दोस्तों किस में स्ट्रांग होता है बताइए? क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में स्ट्रांग होता है, या शीयर में स्ट्रेंथ मजबूत होता है, या फिर टेंसाइल में मजबूत होता है? बताइए दोस्तों किस में मजबूत होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट या ऑल ऑफ दिस? सही है. तो दोस्तों किस में मौजूद होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट?
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में दोस्तों मजबूत होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इन अ फ्लोरिंग ऑफ बिल्डिंग प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट इज कॉमनली यूज्ड। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, फ्लोरिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। सॉरी दोस्तों इसका नहीं, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए हम लोग कहाँ यूज करते हैं, गलत आंसर। हम लोग कास्ट ही तो करते हैं फ्लोरिंग करने के लिए, प्री स्ट्रेस के लिए दोस्तों हम लोग क्या होता है, ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं तब प्री स्ट्रेस का कॉन्क्रीट का यूज करते हैं हम लोग। ये गलत है, ये इसका सही आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द सीमेंट कॉन्क्रीट इन विच द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बिफोर इट इज एक्चुअल यूज। अब इसका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सीमेंट कॉन्क्रीट इन विच द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पहले से ही उसमें आर्टिफिशियली इंड्यूस कराई जा रही है, तो आपको आर्टिफिशियली नाम सुनकर ही टिक टिक लग जाना चाहिए। अब तो कौन सा है दोस्तों सही आंसर, सी, सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में दोस्तों आने लायक क्वेश्चन है, और आया भी है क्वेश्चन कहीं जगह। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस कराया जा रहा है स्ट्रेसेस को, तो प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट हो गया। ठीक है, प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट में दोस्तों क्या होता है, इसमें क्रैक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्रैक नहीं होते दोस्तों इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, द प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट कैन टेक अप हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्रैक नहीं आते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 23, फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस वी सेल यूज। तो हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस के लिए हम लोग दोस्तों क्या यूज करते हैं बताइए दोस्तों। सही आंसर दोस्तों इसका सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉ डस्ट कॉन्क्रीट दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन है द सीमेंट कॉन्क्रीट फ्रॉम विच द एंट्रेंड एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड आफ्टर प्लेसिंग इन पोजिशन। मतलब ये कह रहा है कि एयर और वाटर को रिमूव कर दिया जाए आफ्टर प्लेसिंग। तो दोस्तों वो कौन सी कॉन्क्रीट होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइट वेट नहीं होती, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट नहीं होती, सॉडस्ट नहीं होती। सही आंसर है ए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैक्यूम कॉन्क्रीट, ठीक है, उसमें वैक्यूम जनरेट कर देते हैं एयर को निकाल के, एयर को रिमूव करके और वाटर को रिमूव करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, द रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिंग कॉन्क्रीट हेल्प इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब अगर आपने एयर को रिमूव कर दिया आफ्टर प्लेसिंग टू इंक्रीज, कितना परसेंट दोस्तों इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेंथ, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 15-20% दोस्तों इसका ए आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 15-20% दोस्तों क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कितनी, 15-20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द सीमेंट कॉन्क्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एल्यूमिनियम देन इट इज कॉल्ड एज। तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जब आप एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो दोस्तों वो कौन सी कॉन्क्रीट हो जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई भी दोस्तों वो कॉन्क्रीट हो सकती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आपको क्वेश्चन को सही लगाना है तो एनी वन ऑफ दीज ही लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय। लाइट वेट कॉन्क्रीट दोस्तों हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या मिक्सिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मिलाते हैं, नहीं, कतई नहीं मिलाते, मिलाते तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। मिक्सिंग ऑफ एल्यूमिनियम कॉन्क्रीट, नहीं, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजिंग कॉक ब्रीज सिंडर स्लैग एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस कॉन्क्रीट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द साउंड एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ऑफ द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज नियरली, सही आंसर दोस्तों ट्वाइस देन ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट। जो साउंड एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट होता है लाइट वेट कॉन्क्रीट का, वो कितना होता है, ट्वाइस होता है किसके, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
29 क्वेश्चन है दोस्तों. इन मेकिंग प्रीकास्ट स्ट्रक्चर यूनिट फॉर द पार्टीशन एंड वॉल लाइनिंग पर्पस द कॉन्क्रीट शुड बी. तो दोस्तों कौन सी कॉन्क्रीट होनी चाहिए जिसमें आप पार्टीशन वगैरह वॉल बनाते हो ना, यूनिट फॉर द प्रीकास्ट. दोस्तों कौन सी मतलब वो होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, सॉडस्ट होनी चाहिए. गलत आंसर. एयर एंटेंट नहीं होनी चाहिए, वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए. इसका सही आंसर हो जाएगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन दे रखा है सीमेंट कॉन्क्रीट इज परमेबल होनी चाहिए कि इम्परमेबल होनी चाहिए. तो दोस्तों इम्परमेबल होनी चाहिए. परमेबल क्यों होगा? परमेबल होगा तो खराब कॉन्क्रीट है, वो किसी काम की कॉन्क्रीट नहीं है. ठीक है, इम्परमेबल होनी चाहिए. इम्परमेबल का मतलब है दोस्तों उसके अंदर पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंटर नहीं करना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. 31 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो पूछ रहा गलत कौन सा है. ठीक है, द कॉन्क्रीट कैन नॉट बी पंप. क्या कॉन्क्रीट को पंप नहीं करते हम लोग? करते हैं ना. तो यही गलत है पहला. दूसरा कॉन्क्रीट, दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्रीट शुड हैव अ मैक्सिमम क्रीप. गलत आंसर. ये भी गलत आंसर है दोस्तों. ठीक है, द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कैन बी पुट टू यूज इमीडिएटली आफ्टर देयर कंस्ट्रक्शन. ये भी गलत आंसर है दोस्तों. सही आंसर है सभी, सभी गलत आंसर है. क्या कंक्रीट को तुरंत पुट कर दिया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन? नहीं, गलत है ना. सही आंसर है डी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन बनाया था फॉर पंपिंग ऑफ कंक्रीट द स्लंप वैल्यू कितनी होनी चाहिए. अगर आप पंपिंग कर रहे हो कॉन्क्रीट को तो आपकी स्लंप वैल्यू दोस्तों कितनी होनी चाहिए. तो दोस्तों फॉर पंपिंग पर्पस यानी कि आपको अगर पंप करना है तो स्लंप की वैल्यू शुड नॉट लेस देन 50 mm. 50 mm से दोस्तों कम नहीं होनी चाहिए और 125 mm से दोस्तों क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 125 mm से दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 125 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लंप की वैल्यू. तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 80 से 100 mm दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए. ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. फॉर पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट द स्लंप वैल्यू इज रिक्वायर्ड 80 से 100 mm. ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों. फॉर पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट द स्लंप वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन. तो मैंने आपको बताया दोस्तों किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 125 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसको बी इसका सही आंसर है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में. ठीक है, फॉर पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट द स्लंप वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन. तो 125 mm से दोस्तों ज्यादा आपका स्लंप नहीं होना चाहिए किसके लिए, आप अगर आप पंप कर रहे हो कॉन्क्रीट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 32 क्वेश्चन है. द करेक्टरिस्टिक विच इज मेक द कॉन्क्रीट अ वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ. ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मेक द कॉन्क्रीट अ वर्सेटाइल. ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं. कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट इंग्रीडियंट. बिल्कुल सही है. मोल्डिंग द कॉन्क्रीट इन एनी डिजायर्ड शेप. ये भी सही है. कंप्लीट मैकेनाइजेशन ऑफ द कॉन्क्रीट प्रिपरेशन एंड इट इज अ प्लेसिंग प्रोसेस. तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी. डी ऑफ क्वेश्चन सही आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है 33. द कॉन्क्रीट विदाउट एनी रेनफोर्समेंट हैज अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. ही तो होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ दोस्तों बढ़ाने के लिए ही तो हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं कॉन्क्रीट के अंदर. तो ये कह रहा है क्या विदाउट रेनफोर्समेंट हैज अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है. क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होती है? ज्यादा होती है. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइए मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कॉन्क्रीट की? दोस्तों 10% होती है किसकी? कंप्रेसिव की. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10% होती है. अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. गलत आंसर. क्या सेग्रीगेशन कभी भी स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज करेगा? तो ये तो गलत है. सही आंसर है नो. ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए. द मटेरियल यूज एज अ इंग्रीडियंट ऑफ कॉन्क्रीट इज यूजली. तो आपको पता है दोस्तों मटेरियल में सीमेंट भी यूज किया जाता है, एग्रीगेट भी यूज़ किया जाता है, वाटर भी यूज़ किया जाता है. सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका. क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं.
क्वेश्चन 36 है, अ सूटेबल एडमिक्सचर्स एडेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉन्क्रीट मिक्स मेक द कॉन्क्रीट। तो दोस्तों एडमिक्सचर्स हम लोग क्यों मिलाते हैं? वाटर कंटेंट को सही करने के लिए, वाटर प्रूफ बनाने के लिए, एसिड प्रूफ बनाने के लिए, हाईली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज। द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट, फंक्शन क्या है एग्रीगेट का, एग्रीगेट क्यों डालते हैं हम लोग? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट बाइंडिंग मटेरियल होता है, ये भी गलत। एग्रीगेट एक तरह का फिलर का काम करता है, किसका काम करता है? फिलर का। तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, द कैल्सीरियस मटेरियल यानी कि लाइम, ठीक है, यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, सेल्स होते हैं उसके अंदर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट द ड्राई और वेट दो मेथड होते हैं, ड्राई और वेट दोनों मेथड होते हैं, मिक्सचर ऑफ द कैल्सीरियस एंड आर्गिलिसियस इज बर्नड इन। दोस्तों बर्न दोस्तों वो किस में होते हैं बताइए दोस्तों? तो दोस्तों वो बर्न जो होते हैं वो किस में होते हैं? रोटरी क्लिन में बर्न होते हैं। तो उसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोटरी क्लिन में दोस्तों बर्न होते हैं। कभी कभी दोस्तों रोटरी क्लिन की आपका इंक्लिनेशन एंगल पूछ लिया जाता है दोस्तों कितने, तो दोस्तों 30 डिग्री या 45 डिग्री का दोस्तों इसका एंगल होता है इंक्लिनेशन का। ठीक है, और इसकी कभी कभी लेंथ भी दोस्तों पूछ ली जाती है, 90 मीटर से लेकर लगभग 120 मीटर तक की दोस्तों इसकी लेंथ होती है रोटरी क्लिन की। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, किसके अंदर? इसके अंदर क्लिंकर्स फॉर्म्स होते हैं, क्लिंकर्स। ठीक है, क्लिंकर्स छोटे छोटे क्लिंकर्स होते हैं दोस्तों। इनको दोस्तों ट्यूब मिल में दोस्तों इनको पीसा जाता है, ट्यूब मिल। ठीक है, ट्यूब मिल में दोस्तों क्या होता है, पीसा जाता है, और उससे सीमेंट दोस्तों महीन सीमेंट जो फाइन सीमेंट दोस्तों हमको प्राप्त होता है इससे, ट्यूब मिल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रोटरी क्लिन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कितना टेम्परेचर होता है रोटरी क्लिन के अंदर, बर्न फॉर बर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, हाउ टेम्परेचर? तो दोस्तों कितना टेम्परेचर होता है ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर होता है दोस्तों 900, ये तो गलत आंसर, ये भी गलत आंसर, 900 1000 से 12, 1200 से 15 भी गलत आंसर, सही आंसर है 1500 से 1600। तो कितना दोस्तों टेम्परेचर होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके समथिंग 1600 डिग्री सेल्सियस तक का दोस्तों टेम्परेचर होता है सीमेंट को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है आपको एग्जाम में, एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग जिप्सम दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं, क्या वो यूज़ करते हैं? जिप्सम। जिप्सम हम लोग दोस्तों क्यों यूज़ करते हैं? एज अ रिटार्डर दोस्तों यूज़ करते हैं हम लोग जिप्सम को, एज अ रिटार्डर। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों? ये इनिशियल सेटिंग टाइम को दोस्तों क्या करता है? इनिशियल सेटिंग टाइम को दोस्तों क्या करता है? ये दोस्तों रिड्यूस कर देता है इनिशियल सेटिंग टाइम को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ, गलत आंसर, कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि और भी ढेर सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है, द कॉजेस सीमेंट सेट स्लोली। तो दोस्तों किसकी वजह से दोस्तों सीमेंट सेट स्लो करता है जब आप एक्सेस क्वांटिटी में डाल दोगे? तो दोस्तों सिलिका की कंटेंट अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में डाल दिया तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। सिलिका अगर आपने एक्सेस क्वांटिटी में डाल दिया तो दोस्तों क्या होता है, सीमेंट जो होता है वो सेट करता है स्लोली। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि लाइम का कंटेंट दोस्तों कितना होता है? 60 से 65% दोस्तों लाइम का कंटेंट होता है। सिलिका का कंटेंट दोस्तों कितना होता है? सिलिका का कंटेंट दोस्तों 20 से लेकर 23% दोस्तों सिलिका का कंटेंट होता है। एलुमिना का दोस्तों कंटेंट कितना होता है दोस्तों सीमेंट के अंदर? तो 3 से लेकर 8% तक दोस्तों एलुमिना का कंटेंट होता है। आयरन ऑक्साइड का दोस्तों कितना कंटेंट होता है? दोस्तों आयरन ऑक्साइड का कंटेंट कितना होता है? 0.5 से लेकर 6% तक दोस्तों आयरन ऑक्साइड का कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये चारों दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सिलिका की अगर बात करूँ तो दोस्तों सिलिका जो क्या करता है सीमेंट में, इसका मेन वर्क क्या है? तो दोस्तों ये क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है। क्या करता है दोस्तों? स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, स्ट्रेंथ दोस्तों सिलिका देता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, तो लाइम 60 से 65% होता है, बिल्कुल सही है। सिलिका 20 से 25% दोस्तों सिलिका होता है, और एल्यूमिना 3 से 8% होता है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 48 क्वेश्चन है, लाइम व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर लाइम आपने दोस्तों ज़्यादा सीमेंट में डाल दिया तो क्या हो जाता है? सीमेंट दोस्तों क्या कर जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, क्रैक्स और एक्सपेंशन ज़्यादा होगा सीमेंट का। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा।
ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 49 दोस्तों क्वेश्चन है, द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी द सीमेंट इज अनसाउंड। दोस्तों इनकी वजह से भी सीमेंट दोस्तों अनसाउंड हो जाता है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 50 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कलर एंड हार्डनेस, तो आँख बंद करके दोस्तों आयरन ऑक्साइड लगा दीजिए। कलर और हार्डनेस के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ भी देता है आयरन ऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ भी देता है। आयरन ऑक्साइड की अगर बात आती है दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज कितना होता है सीमेंट के अंदर, तो 0.5 से लेकर 6% तक दोस्तों आयरन ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 दोस्तों क्वेश्चन है, एलुमिना इन अ सीमेंट लोअर द क्लिंकर टेम्परेचर, तो एलुमिना क्या क्लिंकर टेम्परेचर को लो कर देता है, बिल्कुल सही दोस्तों, एलुमिना क्या करता है क्लिंकर टेम्परेचर को दोस्तों लो कर देता है। एलुमिना का परसेंटेज दोस्तों बता दीजिए, 3 से 8% दोस्तों हम लोग एलुमिना मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 दोस्तों क्वेश्चन है, आफ्टर द फाइनल ग्राइंडिंग द सीमेंट इज सीव्ड थ्रू IS सीव, तो दोस्तों अगर आप फाइनल ग्राइंडिंग कर दिए हो तो सीमेंट का दोस्तों साइज आपको पता करना है पार्टिकल का, तो दोस्तों क्या आप करते हैं सीव एनालिसिस करते हैं दोस्तों, और आप क्या करते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड का दोस्तों आप लोग यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि आप फाइननेस सीमेंट की फाइननेस को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों कितना IS 9 नंबर की दोस्तों सीव होती है, उस पर आप दोस्तों छान कर देखते हैं IS को, ठीक है। और आपने छान कर देखा तो दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम बनता है 10% रेसिड्यूअल, दोस्तों उससे ज़्यादा रेसिड्यूअल नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, सीव के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द फ्लूड टू सॉलिड इज कॉल्ड इज हार्डनिंग, दोस्तों सही आंसर है, जब आपका सीमेंट पेस्ट होता है वो लिक्विड कंडीशन से सॉलिड कंडीशन में आता है तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपनी लूज स्टेट को छोड़कर दोस्तों किस में आ जाता है वो, हार्ड स्टेट में पहुंच जाता है, तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, हार्डनिंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, एफ्लोरेंसेज यानी कि व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं सीमेंट के ऊपर इज कॉज्ड बाय, तो दोस्तों एफ्लोरेंसेज दोस्तों किसकी वजह से पड़ते हैं, एल्कलीज की वजह से ही तो पड़ते हैं एफ्लोरेंसेज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में, दोस्तों बनेगा यहाँ से एग्जाम में कि एफ्लोरेंसेज दोस्तों किसकी वजह से पड़ता है, एल्कलीज की वजह से पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट दोस्तों क्या होता है, C3S दोस्तों ट्राइकैल्शियम सिलिकेट होता है, तो ये सीमेंट के अंदर करता क्या है, तो एक्चुअली ये सीमेंट के अंदर दोस्तों क्या करता है, हाइड्रेट द सीमेंट रैपिडली, मतलब सीमेंट को दोस्तों तुरंत रैपिडली हाइड्रेट करता है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये गलत आंसर है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये गलत आंसर है, ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस टू सल्फेट, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, सही आंसर दोस्तों आपका रैपिडली सीमेंट सेट होता है, हाइड्रेट होता है रैपिडली C3S की वजह से। C3S का दोस्तों परसेंटेज पूछा जाए तो 40% दोस्तों C3S का परसेंटेज होता है सीमेंट के अंदर, एक C2S होता है दोस्तों डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसका दोस्तों लगभग 30% होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट यानी कि डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S दोस्तों इसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों लो हीट के लिए, मतलब सीमेंट के अंदर लो हीट हो, ठीक है। दूसरा इसका काम दोस्तों क्या होता है कि स्लोअर सेटिंग हो सीमेंट की, सीमेंट सेट स्लो हो, ठीक है ना, ये तो ये काम होता है इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रेट द सीमेंट स्लोली, बिल्कुल सही है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी दोस्तों कम होता है, ठीक है, हैज मोर रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, बिल्कुल सही है, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बोगस कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, बोगस कंपाउंड्स, बोग कंपाउंड्स, बोग कंपाउंड दोस्तों कितने होते हैं, 4 बोग कंपाउंड होते हैं, कौन से होते हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF, ठीक है, ये बोगस कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है ना, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अलाइट बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, इसको दोस्तों बोलते हैं सिलाइट, ठीक है, अलाइट बलाइट सॉरी इसको बोलते हैं दोस्तों बलाइट, बलाइट, ठीक है, अलाइट बलाइट सिलाइट फ्लाइट, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द ट्राइकैल्शियम एलुमिनेट इन द सीमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो दोस्तों ट्राइकैल्शियम एलुमिनेट का प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्टिंग फास्ट विद वाटर, तो दोस्तों ये एक ऐसा कंपाउंड होता है C3A, ये दोस्तों सबसे फास्ट रिएक्ट करता है और सबसे पहले रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा दोस्तों कॉजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम भी दोस्तों ये क्रिएट करता है, आपसे एग्जामिनर यही तो क्वेश्चन
करके देगा कि वो बताइए वो कौन सा कंपाउंड होता है जो सबसे पहले पानी से रिएक्ट करता है, C3A, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कौन सा कंपाउंड होता है जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए या फ्लैश सेटिंग टाइम के लिए इंपोर्टेंट होता है, कौन सा सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, दोस्तों ये भी वो है C3A, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है द टेट्रा कैल्शियम एलुमिनेट फेराइट, यानी कि टेट्रा कैल्शियम एलुमिनेट फेराइट C4AF के बारे में पूछ रहा है, एज अ सीमेंटिंग वैल्यू, गुड सीमेंटिंग वैल्यू, बताइए दोस्तों सही आंसर है पुअर सीमेंटिंग वैल्यू, इसके पास दोस्तों कोई भी सीमेंटिंग वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की दोस्तों हाई परसेंटेज होगी तो क्या होगा, ठीक है, एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट रिजल्ट रैपिड हार्डनिंग, बिल्कुल सही है, रैपिड हार्डनिंग की तो होगी दोस्तों, जब C3S का परसेंटेज ज़्यादा है तो रैपिड हार्डनिंग होगी, सही है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन गलत टिक हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60वां क्वेश्चन है लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है दोस्तों उसका परसेंटेज लो है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा और आपका सेटिंग प्रोसेस भी कम होगा, स्ट्रेंथ भी कम होगी, ठीक है। तो रैपिड हार्डनिंग तो कभी ज़िंदगी में होगी ही नहीं क्योंकि C3S ही कम कर रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये भी नहीं होगा, हाई हीट नहीं होगी, हाई अर्ली स्ट्रेंथ नहीं होगी, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, नन ऑफ दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपके आते हैं। 61 दोस्तों क्वेश्चन है द फर्स्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विद वाटर व्हेन मिक्स्ड विद सीमेंट ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, तो दोस्तों सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट ही तो होता है जो फर्स्ट रिएक्ट करता है, मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट C3A। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 62 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप स्ट्रेंथ, यानी कि C3S डेवलप स्ट्रेंथ विद इन द 7 days, तो दोस्तों सही आंसर है 7 days के अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज ऑप्टेंड बाय एडिंग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट, बिल्कुल सही है, द डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रोवाइड अ गुड अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, दोस्तों बिल्कुल सही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है C2S का ही तो यूज़ करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं C2S का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेटा कैल्शियम एलुमिनेट फेराइट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए, बिल्कुल सही है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ C4AF, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, दोस्तों ध्यान रखना C3S की अगर बात करें तो 40% दोस्तों इसका यूज़ करते हैं और C2S की दोस्तों बात करें तो लगभग 35% दोस्तों इसका यूज़ करते हैं, तो दोस्तों लगभग जो संख्या हो जाती है वो 75% लगभग हो जाती है, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट वेरीज फ्रॉम 70-80%। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपोज टू द सल्फेट इन सॉइल, बिल्कुल सही है दोस्तों, जहाँ पे सल्फेट्स होते हैं वहाँ पे अलग तरह का सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 66 क्वेश्चन है दोस्तों, द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना हीट, जितनी हीट आएगी जितनी हीट होगी सीमेंट के अंदर उतना ही तो रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो सही आंसर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का दोस्तों हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो बिल्कुल सही है, व्हेन द फोम वर्क इज टू बी रिमूव्ड अर्ली, जब आपको शटरिंग जल्दी हटानी हो वहाँ पे यूज़ करते हैं, रोड पेवमेंट के लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, ये क्वेश्चन दोस्तों SSC ने पूछा था इस बार, ठीक है। फॉर रोड पेवमेंट कौन सा सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 दोस्तों क्वेश्चन है लो हीट सीमेंट इज यूज, तो दोस्तों लो हीट सीमेंट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे दोस्तों क्या डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहीं पे तो यूज़ करते हैं, क्योंकि थिक स्ट्रक्चर होता है वो, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दोस्तों अगर हम वहाँ यूज़ करेंगे तो लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, जिससे दोस्तों क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं सीमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, तो दोस्तों क्या होता है कि ये हमेशा लो हीट सीमेंट दोस्तों थिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे दोस्तों हम लोग लो हीट सीमेंट का दोस्तों यूज़ करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
फॉर डैम कंस्ट्रक्शन द सीमेंट इज यूज्ड। दोस्तों कौन सा डैम कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना लो हीट सीमेंट हमेशा यूज करते हैं डैम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द सीमेंट वाइडली यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिटेनिंग वॉल्स में दोस्तों एक तरह का डैम भी तो रिटेनिंग वॉल ही है, पानी को रिटेन कर रहा है, तो दोस्तों उसमें कौन सा सीमेंट यूज होता है, तो ध्यान रखना लो हीट सीमेंट यूज होता है, कौन सा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो हीट सीमेंट हमेशा यूज करते हैं किसमें, रिटेनिंग वॉल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज हम लोग डैम्स में भी करते हैं, ब्रिज अबेटमेंट में भी करते हैं, रिटेनिंग वॉल में भी करते हैं। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है उसका प्रयोग दोस्तों हम लोग इन तीनों में करते हैं, डैम में भी करते हैं, ब्रिज में भी करते हैं, और हम लोग रिटेनिंग वॉल में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कॉन्क्रीट रिक्वायर, तो दोस्तों मतलब ज़्यादा टाइम चाहिए ना, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है तो जमेगा देर में, तो जमेगा देर में तो दोस्तों शटरिंग बहुत देर में खुलेगी ना, तो सही आंसर हो जाएगा मोर टाइम चाहिए, ठीक है, मोर टाइम चाहिए ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट कंटेन मोर लाइम देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सही बात है ये, तो गलत बात है दोस्तों, गलत बात है, लो हीट सीमेंट के अंदर कभी भी लाइम नहीं होता है, डाइग, हाँ लो हीट सीमेंट के अंदर C2S की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट डेवलप लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बिल्कुल सही है, हैज़ लेस अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी सही है, तो दोस्तों दोनों सही हैं, ये तो गलत है, दोनों ऑप्शन दोस्तों ट्रू हैं। लो हीट सीमेंट के अंदर क्या होता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, ठीक है, और हैज़ अ लेस अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे दोस्तों दे रखा है 75 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, तो हाइयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, दोस्तों कौन सा सीमेंट होता है वो बताइए, दोस्तों कौन सा सीमेंट होता है वो जिसके अंदर हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज के अंदर आ जाती है, बताइए दोस्तों कौन सा होता है, तो दोस्तों सही आंसर है आपका हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, हाई एलुमिना सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट दोस्तों जहाँ पे हाईली सलाइन वाटर होता है वहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आपका सी वेदर कंडीशन हो गई, यहाँ पे बार बार सी का पानी टच कर रहा है कॉन्क्रीट सरफेस से, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हाई एलुमिना सीमेंट का दोस्तों हम लोग उस केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ सी वाटर द सीमेंट इज यूज्ड, तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर सी वाटर के एक्शन में आ रहा है तो वो दोस्तों कौन सा सीमेंट वहाँ पर यूज़ होता है, तो दोस्तों वहाँ पर जो सीमेंट यूज़ होता है वो हाई एलुमिना सीमेंट दोस्तों वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ द सी वाटर द सीमेंट इज यूज्ड, तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर सी वाटर कवर दोस्तों कितना लेते हैं, कवर कॉन्क्रीट सरफेस का, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कवर तो दोस्तों 40 mm का कवर ले लेते हैं, ठीक है, और ग्रेड कौन सा लेते हैं, M30 ग्रेड का दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों M30 ग्रेड का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो हम लोग करते हैं RCC के लिए, ठीक है, अगर प्लेन के लिए पूछ ले प्लेन के लिए कितना करते हैं, तो प्लेन के लिए M20, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यूजिंग एयर एंटरिंग गेट रिड्यूस, जब एयर एंटर कर जाती है तो कितनी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, दोस्तों 10 से 15% दोस्तों स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है एयर एंटर करने की वजह से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों क्लोरोक्रीट इज द कॉमर्शियल टर्म, ये दोस्तों क्लोरोक्रीट के बारे में DMRC JEE के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, 2020 का पेपर जो हुआ था उसमें क्लोरोक्रीट के बारे में पूछा गया था, क्लोरोक्रीट इज अ कॉमर्शियल टर्म, तो दोस्तों ध्यान रखना क्या है ये क्लोरोक्रीट, कलर्ड सीमेंट है, क्या है दोस्तों कलर्ड सीमेंट, इट इज अ क्लोरोक्रीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 79 क्वेश्चन है दोस्तों, पोजोलोना इज एसेंशियली अ सिलिसियस मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू, तो दोस्तों पोजोलोना 80% दोस्तों सिलिका अटेंड करता है, कितना 80%। चलिए तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोजोलोना का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों सीमेंट के अंदर, तो लगभग 30% दोस्तों पोजोलोना का परसेंटेज होता है, क्या ऑप्शन कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्सोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पोर्सोलाना मटेरियल एडेड टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स, तो 230% ही तो होता है, सही आंसर होता है बी, बी आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा कितना परसेंट होता है पोर्सोलाना का, 230% होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पोर्सोलाना के अंदर कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी पोर्सोलाना के अंदर नहीं होती है, कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी दोस्तों पोर्सोलाना के अंदर नहीं होती है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओपीसी होता है उसका ग्रेड क्या होता है, तो IS 269 ये दोस्तों इसका ग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा ओपीसी का, ठीक है। ओपीसी का दोस्तों सरफेस एरिया और पूछा जाता है, 2250 दोस्तों ओपीसी का सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखना कितना 2250, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऐसे करके कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट पर्टिकुलरली यूज फॉर द कैनल लाइनिंग, बिल्कुल सही है, लो हीट सीमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर द थिन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, थिक में यूज होता है, थिक में यूज होता है ना, थिन में कहाँ होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर द मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो क्या होगा, हीट ऑफ एडिशन ज्यादा होगा ना, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, तो दोस्तों डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्या बताता है, फाइननेस ही तो बताता है दोस्तों, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, फाइननेस बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रखा है, द हार्डनिंग इज अ फिनोमिना बाय वर्चू द सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज, ये तो गलत है, द प्लास्टिक सीमेंट पेस्ट चेंज इन टू द हार्ड, सी ऑप्शन है, द सीमेंट पेस्ट सेट एंड डेवलप स्ट्रेंथ, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है द प्लास्टिक सीमेंट पेस्ट चेंज इनटू द हार्ड मास, ठीक है, और आपको सभी को पता है कि हार्डनिंग ऑफ फिनोमिना क्या कहलाता है, तो प्लास्टिक तो ऐसी तो कंफ्यूज करता है, इसमें सी ऑप्शन क्या दिखा है, द सीमेंट पेस्ट सेट एंड डेवलप स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, द फिनोमिना बाय वर्चू ऑफ विच द सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम व्हेन ट्रीटेड विद द वाटर, दोबारा पढ़ो दोस्तों क्वेश्चन, द फिनोमिना बाय वर्चू ऑफ द विच सीमेंट डज नॉट अंडरगो लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, तो दोस्तों क्या होता है उसको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों सही बात है, साउंडनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। सीमेंट के अंदर दोस्तों साउंडनेस किसकी वजह से दोस्तों आती है, लाइम की वजह से दोस्तों साउंडनेस सीमेंट के अंदर आ जाती है, सीमेंट क्या हो जाता है दोस्तों, अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। अनसाउंड का मतलब है दोस्तों एक्सपेंशन की अगर बात आती है ना, एक्सपेंशन दोस्तों ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, अकॉर्डिंग टू IS 210 mm से ज़्यादा आपका जो सीमेंट है वो एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो साउंडनेस टेस्ट होता है सीमेंट का वो दोस्तों किससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, ली चैटलियर एपरेटस दोस्तों, उससे हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट का दोस्तों हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक दोस्तों यहीं पे एक एपरेटस और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव एपरेटस भी दोस्तों हम लोग साउंडनेस टेस्ट के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, द फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग किसके टर्म में मेजर करते हैं, तो दोस्तों परसेंटेज वेट रिटेन ऑन IS sieve नंबर 9, ठीक है, सर्विस एरिया इन पर ग्राम, दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मच फाइननेस, अगर ज़्यादा आपका सीमेंट फाइन हो गया तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पहली बात तो क्रैक हो जाएंगे आपके सीमेंट के अंदर और ग्रेटर हीट हो जाएगी, तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक दोस्तों ये क्वेश्चन SSC JEE ने इस बार ही पूछा था, 2019 के पेपर में पूछा था, ये किसने पूछा था, SSC JEE ने पूछा था कि ब्लेन एयर परमेबिलिटी जो मेथड है वो हम लोग यूज क्यों करते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ सीमेंट, गलत आंसर, फाइननेस ऑफ सीमेंट सही आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी गलत आंसर, साउंडनेस गलत आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि ब्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड का हम लोग क्यों करते हैं, फाइननेस ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज गवर्न फैक्टर, तो दोस्तों सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या गवर्न करता है, मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, बिल्कुल सही है, प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिल्कुल सही है, कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट बिल्कुल सही है, सही आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज गवर्न फैक्टर, ठीक है। अच्छा, सेटिंग टाइम की अगर बात आती है तो दोस्तों सेटिंग टाइम के बारे में मुझे बता दीजिए कितना होता है सीमेंट का सेटिंग टाइम। तो दोस्तों सीमेंट का सेटिंग टाइम दोस्तों ओपीसी के लिए दोस्तों कितना होता है, 30 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम वो दोस्तों कितना होता है, 10 आवर। दोस्तों कभी कभी दोस्तों 10 आवर ना देकर 600 मिनट भी दे रखा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक दोस्तों होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट की वजह से दोस्तों क्या होता है, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम दोस्तों वो होता है 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो दोस्तों इसका होता है वो होता है 30 मिनट। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैंने कोई फ्लो फ्लो में कुछ गलत बता दिया हो तो मैं आपको करेक्ट करा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी, वैसे तो पूरी कोशिश है कि सही बताऊंगा, लेकिन कभी कभी दोस्तों शायद गलत हो जाए, मुंह से निकल ऐसा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो डोंट माइंड, मैं आपको सही करा दूंगा वो चीज़, आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा मुझको, ठीक है। 90 क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IS 269, ये दोस्तों OPC का ग्रेड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 269 द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो दोस्तों रेसिड्यू जो है वो डज नॉट एक्सीड 10%, 10% से ज़्यादा आपका रिटेन्ड नहीं करना चाहिए रेसिड्यू, ठीक है, IS Sieve No. 9 पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये ए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इट इज़ द एक्सपेंशन इज नॉट मोर देन 10 mm, 10 mm से दोस्तों ज़्यादा एक्सपेंशन आपका नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट से ज़्यादा इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होनी चाहिए, सही आंसर है दोस्तों डी, डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 1:3 आफ्टर डेज ऑफ टेस्ट डज नॉट शुड नॉट बी लेस देन, तो दोस्तों 17.5 न्यूटन पर mm² से दोस्तों कम नहीं होनी चाहिए क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विकार्ट एपरेटस इज यूज टू परफॉर्म, तो विकार्ट एपरेटस आपको पता है दोस्तों, विकार्ट एपरेटस से दोस्तों हम लोग 3 टेस्ट करते हैं, एक तो सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम, दूसरा आपको करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, तीसरा हम लोग करते हैं क्या कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम करने से पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले दोस्तों करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विकार्ट एपरेटस दोस्तों होता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एपरेटस इज यूज टू परफॉर्म फाइननेस टेस्ट, ये तो गलत आंसर है, साउंडनेस भी गलत आंसर है, कंसिस्टेंसी इसका सही आंसर है, ये भी गलत आंसर है, तो इसका ऑप्शन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि टू नो ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट एसेंशियल टू परफॉर्म, सही आंसर है सेटिंग टाइम, ठीक है, क्या आंसर है सही, सेटिंग टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए। टू नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, सेटिंग टाइम भी दोस्तों करते हैं, साउंडनेस भी करते हैं, कंप्रेसिव भी करते हैं, डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो सकता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टू नॉलेज ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट एसेंशियल टू परफॉर्म सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन दे रखा है, विकार्ट एपरेटस द डायमीटर ऑफ विकार्ट प्लंजर, पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC का, डायमीटर कितना होता है विकार्ट प्लंजर का, तो दोस्तों ध्यान रखना डायमीटर कितना होता है 10 mm का दोस्तों डायमीटर होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 10 mm का डायमीटर होता है विकार्ट प्लंजर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हाइट ऑफ विकार्ट प्लंजर, विकार्ट प्लंजर की हाइट कितनी होती है, तो विकार्ट प्लंजर की दोस्तों हाइट कितनी होती है 50 mm की दोस्तों हाइट होती है विकार्ट प्लंजर की, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लेंथ ऑफ विकार्ट प्लंजर, ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आ गया, वही है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, सही आंसर हो जाएगा 40 से 50 mm, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर मेकिंग द सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी,
कितना होना चाहिए परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए, कितना होना चाहिए सीमेंट के अंदर? तो सही आंसर है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है 25 से 35%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द मेकिंग सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी वेरीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है टू परफॉर्म द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट रेट। तो दोस्तों देखो एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका आता है साउंडनेस टेस्ट, क्या साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के लिए दोस्तों हम लोग कितना वाटर की यूज़ करते हैं, तो दोस्तों 0.72 × P, ठीक है। पी के बारे में मैंने आपको नीचे दिख दिया यहाँ पे कि वेयर पी इज़ अ परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 × P का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको सही आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे साउंडनेस टेस्ट के लिए तो 0.72 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में दोस्तों ओनली 100% होंगे, ठीक है ना। तो ली चैटलर एपरेटस इज यूज्ड टू परफॉर्म एसएससी जेई 2019 के पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। साउंडनेस टेस्ट, ली चैटलर एपरेटस का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए करते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म दिस साउंडनेस टेस्ट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू परफॉर्म दिस साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। सॉरी, टू परफॉर्म दिस साउंडनेस टेस्ट, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था साउंडनेस टेस्ट के लिए कितना वाटर लेना है, 0.72 × P, ठीक है। तो उसका सही आंसर दोस्तों सही है ना, ये बिल्कुल सही है। सॉरी एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लूँ मैं, एक सेकंड। वाटर, चलिए दोस्तों तो हम लोग कहाँ थे, हाँ तो फाइन साउंडनेस टेस्ट के लिए दोस्तों कितना लेते हैं, 0.72 × P। दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, क्वेश्चन आपके यहीं पे एंड होते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और भी दोस्तों वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं बढ़िया बढ़िया आपके लिए टाइप हो रहे हैं, तो डोंट फिगर, आप बस हमारे साथ लगे रहिए, क्योंकि अब कंटिन्यू होने की बारी है इस चैनल पर, और इस चैनल को दोस्तों आपको बढ़ाना है धीरे धीरे। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं दोस्तों, वहाँ पर बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर में दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए आने वाली है, करंट अफेयर डेली आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे। चलिए दोस्तों आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।